ठीक स्टार्ट कर ले आज का टॉपिक स्टार्ट कर ले। क्या पढ़ना है? प्रवचन। वेरी गुड। क्या पढ़ना है? प्रवचन। प्रवचन एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? इट्स अ केमिकल प्रोसेस। तो अब आप मुझे बता दो व्हाट प्रवचन एक्चुअली मींस। Absolutely right. It is the process of slowly. Yaad rakhna. It is the process of slowly. Aaiye. It is the process of slowly. It is the process of slowly. Up of metals. Slowly eating up of metals. It is the process of slowly eating up of metals. ठीक है ना? जब metals जो है ना metals की deterioration होती है। क्या होती है? metals की जिधर deterioration होती है। It is the process of slowly eating up of metals. ठीक है ना? In the presence of what? In the presence of atmospheric gases. In the presence of atmospheric gases. In the presence of atmospheric gases. For example, oxygen. Very good. For example, carbon dioxide. ठीक है ना? Carbon dioxide भी आएगा. इसके अलावा आता है जिगर moisture. क्या आता है? Moisture. Moisture का मतलब हो गया water in the form of vapor. ठीक है ना? Moisture लिखूंगा मैं यहाँ पे moisture. ठीक है ना? इसके अलावा आता है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। मैंने कहा वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स का क्या होता है? मेटल्स की डिटोरिएशन होती है। मेटल्स खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस। किसकी प्रेजेंस में? एटमोस्फेरिक गैसेस की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एटसेट्रा। टू यील्ड एन अनडिजायरेबल सबस्टेंस। ठीक है ना? वहां का जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या है? वहां पे बनता है एक अनडिजायरेबल सबस्टेंस। अनडिजायरेबल सबस्टेंस का मतलब क्या हो गया? अनवांटेड सबस्टेंस, जिसको आप चाहते ही नहीं। वहां पे क्या बनता है? एक अनवांटेड सबस्टेंस। ठीक है ना? अनडिजायरेबल सबस्टेंस। क्यों? इसकी वजह से हमारे मेटल्स जो है ना वो खराब हो जाते हैं। एवरी ईयर मतलब थाउजेंड्स ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन, कॉपर खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस प्रोसेस। To yield an undesirable substance or unwanted substance, shavash, which is referred to as what? Which is, सबसे पहले लिखेंगे, which is flaky and non-sticky in nature. क्या होता है? Flaky and non-sticky in nature. ठीक है ना? Referred to as, इसको क्या बोलते हैं? Referred to as iron. Referred to as rust in case of iron. Iron में इसको क्या बोलते हैं? In case of iron. जिगर iron में इसको क्या बोलते हैं? Iron में अगर oxidation हुआ in the presence of this moisture, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? Rust. और जो rust है ना, rust इसका एक special नाम है। नहीं तो बाकी metals को अगर ये होगा ना oxidation, वहां पे इसको बोलते हैं corrosion. क्या बोलते हैं? जितना कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, उतना उसमें ज्यादा corrosion होने की मतलब जो chances है ना, ये क्लियर हो गया? मतलब जितना कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, उसमें उतना ज्यादा corrosion के chances बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें एग्जाम्पल लेंगे, हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? आयरन की। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आयरन ले लिया, आयरन, और आयरन को क्या हो गया? मैंने अभी कहा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन हो गया गैस,
और मॉइस्चर भी यहां पे क्या है, मॉइस्चर इज अगेन गैस, ये भी एक टाइप का गैस है, वाटर वेपर, ठीक है ना। जब ये हो जाएगा ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 डॉट x टाइम्स वाटर। क्या निकलता है, Fe2O3 डॉट x टाइम्स वाटर। ये जो यहां पे बनता है ना Fe2O3 डॉट x टाइम्स वाटर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लास 12th में जब प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं ना, उसके बाद जो वाइवा वॉइस है ना, मतलब वहां पे जो प्रैक्टिकल्स का एग्जाम होता है ना वाइवा, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रस्ट केमिकली, केमिकली रस्ट क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट x टाइम्स वाटर। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन एटम्स है, तो तीन एटम्स, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं, लेकिन वो बराबर आना चाहिए, आधा एटम नहीं आना चाहिए, बिकॉज आधा एटम डज नॉट एग्जिस्ट एज पर डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। तो इसको हम ले सकते हैं आधा एटम नहीं, लेकिन आधा मॉलिक्यूल ले सकते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है उसका आधा मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो ये आएगा 3 divided by 2 O2, ये 2 और ये 2 अगर आपने कैंसिल किया तो ये 3 आ गया ना बराबर, और ये x टाइम्स वाटर भी आ गया। ये क्या हो गया, ये इसकी पहली एग्जांपल है रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन। क्या है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन। इसके अलावा कॉपर में भी कोरोजन होता है, क्या होता है, लेकिन कॉपर का जो कोरोजन होता है ना उसको हम रस्टिंग नहीं कहते, ये स्पेशल नेम किसके लिए है, आयरन के लिए। अगर आपने कॉपर लिया, कॉपर का जो कोरोजन होता है इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी किसके मतलब किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कॉपर ले लिया, मेरी बात गौर से सुनो, अगर आपने यहाँ पे कॉपर ले लिया, कॉपर को आपने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और इसके अलावा मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला, यानी कि कॉपर, कॉपर पे अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस ने एक्ट किया, किसने, इफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्ट ऑन व्हाट, कॉपर। लेकिन ये कौन सी वाली प्रोसेस है, मैंने पहले ही कहा इट्स अ सिलो प्रोसेस, ये बहुत ही सिलो प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट होता है, इट चेंजेस इनटू CuCO3, ठीक है ना, डॉट CuOH होल ट्वाइस। ये जो है ना, ये यहां पे जो बना, इसको बोला जाता है मेलाचाइट, दैट इज रेफर्ड टू एज व्हाट, ये ओर होता है कॉपर का, दैट इज कॉल्ड मेलाचाइट। इसको क्या बोलते हैं, मेलाचाइट। और इसका जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है, ठीक है ना, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का कोरोजन मतलब किस पे होता है, ठीक है ना, ग्रीन। और ये जो है ना, ये होता है रेडिश ब्राउन, मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ये क्लियर हो गया, ग्रीन कलर। अगर आप देखोगे यहां पे दो कॉपर है, यहां पे एक ही है, तो 2 times देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को देखो, 2+1 हो गया, 3+2 हो गया 5, 3+2 हो गया 5, हाइड्रोजन यहां पे 2, हाइड्रोजन यहां पे 2, हो गया ना बैलेंस। इसको बोलते हैं मेलाचाइट, क्या बोलते हैं। अगर सिर्फ आपने इसको यहां पे 2 times किया ना, इट विल बिकम एज्यूराइट, ठीक है ना, ये याद रखना, दिस इज केमिस्ट्री। ये क्लियर हो गया, यहां पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मेलाचाइट इसको बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था 2019 के पेपर में आया था, 2019 का जो नीट का पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलाचाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलाचाइट, 2019 के पेपर में नीट, ठीक है ना। तो आप ये लिख के रखोगे, आप कहीं पे लिख के रखोगे, मतलब इट्स एन एंट्रेंस पॉइंट। क्या है, दिस इज एन एंट्रेंस पॉइंट, कहां पे आया है, नीट के पेपर में, 2019 के नीट के पेपर में, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो हो गया आयरन, और इसके अलावा हो गया कॉपर, इसके अलावा था थर्ड, इसके अलावा थर्ड जगह तीसरा जो है ना, मतलब वो एक चौंकाने वाली बात है। क्या है, मतलब इट इज बेसिकली एन एस्टोनिशिंग फैक्ट। क्यों, क्योंकि हम मानते हैं सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड वो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है,
दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो उन पे ये कोरोजन नहीं होना चाहिए था। अगर हम देखते हैं ना, गोल्ड पे नहीं होता है, और इसके अलावा प्लैटिनम पे भी नहीं होता है। प्लैटिनम इज रेफर्ड टू एज वाइट गोल्ड, उस पे नहीं होता है। लेकिन जो सिल्वर है ना, सिल्वर पे कोरोजन हो सकता है, और वो किसकी वजह से होता है? वो होता है इस गैस की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है ना। तो अगर आपने सिल्वर को ले लिया, सिल्वर पे अगर इसने एक्ट किया ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ने अगर उस पे एक्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट चेंजेस इनटू Ag2S। ये किस में चेंज होता है? Ag2S में। और इसके अलावा यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा यहां से इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। तो यहां पे आएगा 2Ag, ठीक है ना। ये जो है ना, ये Ag2S, दिस इज रेफर्ड टू एज, याद रखना, ये जो है ना, ये Ag2S, इसको बोलते हैं आर्जेंटस सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज आर्जेंटस सल्फाइड। क्या बोलते हैं? दैट इज रेफर्ड टू एज आर्जेंटस सल्फाइड, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्जेंटस। इससे पहले जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ाए थे ना, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास है ना Cu पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्यूप्रासायन। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्यूप्रासायन। लेकिन अगर आपके पास है ना Cu2 पॉजिटिव, दैट इज रेफर्ड टू एज क्यूप्रिक आयन, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपके पास है ना, फॉर एग्जाम्पल Fe2 पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फेरासायन, इसको क्या बोलते हैं? फेरासायन। लेकिन अगर आपके पास है ना Fe3 पॉजिटिव, दैट इज रेफर्ड टू एज फेरिक आयन, इसको क्या बोलते हैं? फेरिक आयन। ऐसे ही अगर आपके पास Ag है ना, यहाँ पे अगर आपके पास Ag पॉजिटिव है, क्या है? If you are having Ag पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा? It becomes argentous, इसको क्या बोलेंगे? Argentous आयन। और अगर ये होता ना Ag2 पॉजिटिव, तब इसको बोलते आर्जेंटिक आयन, ठीक है ना। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्लस या टिक किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। That is called argentic ion, ठीक है ना? Argentic ion. पहले मुझे बता दो, ये क्लियर हो गया? अब ये जो है ना, ये सिल्वर बहुत ही खूबसूरत होता है। खूबसूरत अगर नहीं होगा तो चांदी जो है ना लगाती है लड़कियां। कलर होता है वाइट ग्रीन। क्या होता है? इसका कलर होता है वाइट ग्रीन। क्या होता है? कलर किसका होता है वाइट ग्रीन? सिल्वर का कलर होता है वाइट ग्रीन। लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है ना Ag2S में, तो इसका कलर हो जाता है ब्लैक ग्रीन या फिर डार्क ग्रीन। कैसा होता है? यू कैन से इट बिकम्स ब्लैक। क्या बनता है? इट बिकम्स ब्लैक। जब ये ब्लैक हो जाएगा तो ऐसा स्वामी जी बोल, ये साथी ब्लैक है, तो ये कहां खूबसूरत रहेगा? इसकी जो चमक होती है ना, मेटल्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दे आर लस्टरस। ये क्या होते हैं? शाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ शाइनिंग इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट, मैं कह रहा हूँ ये अभी तक क्या था? शाइन कर रहा था, लेकिन अब शाइन नहीं कर रहा है। जब शाइन ही नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से क्या है? ऊपर से सल्फाइड का ये रस्टिंग गैस का इशा इसकी किसी क्लास में पढ़ना हूँ हाँ? रस्टिंग क्या है इसकी किसी क्लास में पढ़ना हूँ तब टाइम को